Hello everybody, hope you all are doing great. It's me SK. So today I'm going to tell you about the property valuation. Please do subscribe to my channel. I will be sharing a whole series on the documents required for the visa application. So please do subscribe to stay updated. So coming to the next thing, that is what is meant by property valuation. You should know the purpose of property valuation and the meaning of property valuation as well. So basically, a property valuation is an inspection carried out to help determine the current market value of the property. ठीक है, ये सिंपल सी एक चीज़ है कि आपको अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वैल्यू करवाना है. ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेनी. यू हैव टू जस्ट सिट एंड चिल. ठीक है, वो सारा काम करेंगे एजेंट्स. सो नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू फाइंड समबडी हु कैन इवेल्यूएट योर प्रॉपर्टी. देखें, फर्स्ट थिंग इज़ यूजली यू हैव रियल इस्टेट एजेंट्स इन योर सिटी. ठीक है, तो आप उनको अप्रोच करें. अगर वो करते हैं तो इट्स बेस्ट फॉर यू, इसमें कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, सेकेंडली अगर वो आपको रियल इस्टेट एजेंट्स नहीं मिलते जो एवेल्यूएट कर सकते हैं, तो आप आर्किटेक्चर देखें. वो भी यूजली करते हैं, लाइक इंजीनियर्स जो होते हैं वो भी प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन में बेसिकली उनको बताना होता है कि घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं. लाइक भाई, फ्लोरिंग जो है वो टाइल की है, और इतने रूम्स हैं, इतने वॉशरूम्स हैं, इतने मतलब ये टेरिस है, इसका ये आउटलुक है. ठीक है, तो वो अक्सर उनके पास एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, तो वो उस पर जो चीज़ होती है उस पर टिक करते रहते हैं. ठीक है, अगर आपको आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से भी कोई बंदा नहीं मिलता जो इवेल्यूएट करे, तो लास्टली यू हैव लास्ट ऑप्शन, दैट इज़ इफ़ यू कांट फाइंड एनी पर्सन हु कैन इवेल्यूएट योर प्रॉपर्टी, देन यू कैन लुक फॉर एनी इवेल्यूएटर आउटसाइड योर सिटी. ठीक है, लाइक आप कराची में देख लें, लाहौर में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, जो भी एक काइंड ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें देखें, वहाँ तो आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं. दैट इज़ नॉट गोना मेक एनी काइंड ऑफ यू नो प्रॉब्लम. तो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ यू नो प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन, व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड. ठीक है, सो इट प्लेज रोल एज अ फंड सोर्स. ठीक है, मोस्टली वीज़ाज रिजेक्ट इस वजह से होती हैं कि बंदों के पास फंड्स ही नहीं होते. ठीक है, तो ये जो रोल प्ले करती है वो एज अ फंड सोर्स प्ले करती है. ठीक है, इट गिव्स अश्योरेंस टू वीज़ा ऑफिसर दैट यू हैव इनफ एसेट्स टू पे ऑफ योर डिग्री कॉस्ट. ठीक है, आपको ये देखना होता है कि आपकी जो पूरी डिग्री की कॉस्ट है वो कवर हो रही है आपके एसेट्स से. ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट्स टू बी एडेड इन एफिडेविट ऑफ सपोर्ट. ठीक है, सो द मेक श्योर टू हैव प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू फीस ऑफ योर होल डिग्री. देखें, मिसाल है मेरा एक बैचलर्स का प्रोग्राम है. ठीक है, चार साल की मेरी जो भी कॉस्ट होगी, जो भी मेरी फीस होगी, उसके इक्वल्स होनी चाहिए मेरी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन. ठीक है, एटलीस्ट अगर उससे ज़्यादा है तो इट्स अ प्लस पॉइंट. ठीक है, मेक श्योर टू गेट प्रॉपर्टी इवेल्यूएटेड बाय अ PBA अप्रूव्ड एजेंसी. ठीक है, PBA अप्रूव्ड एजेंसी को आप ढूंढें. ठीक है, उससे क्या होता है कि वो उनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर भी होती है, हर चीज़ में वो एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री होती है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ मेक श्योर टू हैव इट ऑन स्पॉन्सर्स नेम. ठीक है, आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके नाम पर होनी चाहिए तो बेहतर रहेगा. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉपर्टी ऑन योर नेम, शो इट एज अ गिफ्ट. अगर आपके नाम पर कोई है प्रॉपर्टी, तो वो आप एज एन गिफ्ट शो करवा सकते हैं कि भाई मुझे इस बंदे से गिफ्ट मिली. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू हैव एनी प्रॉपर्टी ऑन योर नेम, गेट अ गिफ्ट डीड प्रिपेयर्ड ऑन स्टैम्प पेपर. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप देख लें. गेट अ एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट और समरी ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑन अ सिंगल पेज. देखें, होता ये है कि जब आप प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन करवाते हैं तो देर इज़ लाइक चार पाँच पेजेस होते हैं एक प्रॉपर्टी के, तो आपको वो सारे सबमिट नहीं करवाने होते वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम. आपको एक ही पेज पे सारा कुछ समराइज्ड लिखवाना होगा, जिसको अक्सर एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट कहते हैं, जिसका मैं आपको आगे जाके एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा. तो वो आपको अपलोड करना होता है. ठीक है, सो दिस इज़ द आउटलुक ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन. ऑब्वियसली आई हैड टू जस्ट हाइड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो ये इस तरह होता है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं गोल्डन स्टैम्प, दैट इज़ अ नोटरी. ठीक है, उस पर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा. इट इज़ मस्ट टू हैव. ठीक है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू क्रिएट थिंग्स मोर इजियर फॉर यू.
ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा। और मैंने एक वीडियो अपलोड करी है एफिडेविट ऑफ सपोर्ट पे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, तो मैं आपको यहाँ कहीं पर आई बटन दे दूंगा या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ डू वॉच दैट, उसमें बहुत यूज़फुल थिंग्स हैं। मैंने उसमें ये भी बताया कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स को इस काइंड ऑफ कह सकते हैं कि सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक एन एफर्ट, क्रिएट अ चेंज। थैंक यू सो मच।